श्री राम चरणानुरागी आचार्य राज मिश्रा जी से धर्म, संस्कृति और एस्ट्रोलॉजी से संबंधित जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल मानस ज्योतिष ज्ञान को अभी सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को क्लिक करें। बहुत स्वागत है आपका आपके अपने खास कार्यक्रम मानस ज्योतिष ज्ञान में। मैं हूं आप सभी के साथ आचार्य राज मिश्रा। फिर आज आप सभी के लिए एक नया विषय, एक सुंदर विषय जो आपके जीवन को लाभ प्रदान करने वाला होगा। किस प्रकार का समय व्यतीत होगा और किस प्रकार हमें व्यतीत करना है जुलाई के महीने को, क्या क्या सावधानियां रखनी है। बहुत सारी बातें की जा रही हैं जुलाई में, थर्ड वेव की बात की जा रही है और बहुत सारी चर्चाएं हो रही हैं, तो हम कैसे अपने आप को बेहतर रखें इस पर थोड़ा सा ध्यान देना ज़रूरी है। इसी श्रृंखला में हम आपके राशिफल लेकर के आते हैं, आपके लिए उपाय लेकर के आते हैं ताकि आप अपने समय को बड़ा सुंदर और बेहतरीन बना पाएँ। तो जो हमारे कुंभ राशि के प्यारे भाई बहन हैं उनके लिए जुलाई का महीना किस प्रकार व्यतीत होगा ये आज बताने जा रहा हूँ। लेकिन आपको फिर एक बार कहना चाहूँगा, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और उसके साथ जब वीडियो को चैनल सब्सक्राइब करें तो जय श्री राम का नारा जरूर लगाएं। आप एक बार जय श्री राम जब बोलते हैं तो आपकी हाजिरी पहुँचती है अयोध्या तक, भगवान राम के श्री चरणों तक। तो मैं चाहता हूँ कि आप सभी की हाजिरी भगवान राम तक पहुँचे और उनकी कृपा आप सब पर जरूर बनी रहे। अन्य जानकारी के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। तो किन दर्शकों की कुंभ राशि होती है, आइए सबसे पहले हम इस पर आपको जानकारी प्रदान करें कि किन दर्शकों की जो कुंभ राशि होती है वो होती है। अगर हम बात करें जिनका नाम गा पे बड़ा ऊ का मात्रा आता, गु है ना, गा पे बड़ा ऊ का मात्रा जिनके उसमें आता है, या गा पे ए का मात्रा आता है या गा पे ओ का मात्रा आता है, तो आपकी कुंभ राशि बनती है। सुबह वाला जो सा है उससे आपका नाम शुरू होता है, सा पे आ का मात्रा, सी सा पे बड़ी ई का मात्रा, सा पे ऊ का मात्रा, सु या सा पे ए का मात्रा, से या सा पे ओ का मात्रा, सो या दा पे आ का मात्रा, दा। इन अक्षरों से यदि आपका नाम प्रारंभ होता है तो आपकी एक्वेरियस साइन जिसको कहा जाता है, कुंभ राशि हम जिसको कहते हैं, वो कुंभ राशि आपकी पड़ती है। तो किस प्रकार आपका समय व्यतीत होगा, किस प्रकार आपका जुलाई का जो माह है वो व्यतीत होगा, आज ये चर्चा हम आपके सामने करें, आप सभी को जानकारी दें। सबसे पहले क्या ग्रह गोचर आपका रहेगा इसकी जानकारी थोड़ी सी आपको दे देते हैं। तो आपको बता दें कि आपके राशि स्वामी शनि अपने से द्वादश भाव यानी खुद की राशि मकर में गोचर करेंगे इस पूरे माह। बृहस्पति आपकी राशि में गोचर करने वाले हैं इस पूरे माह। केतु आपके दशम भाव में गोचर करने वाले हैं। राहु और बुध स्टार्टिंग में आपके चतुर्थ भाव में गोचर करने वाले हैं, खैर बुध 7 तारीख के बाद आपके पंचम भाव में जाएंगे और 25 तारीख के बाद आपके छठे भाव के अंतर्गत गोचर करेंगे। और उसके साथ अगर हम बात करें मंगल और शुक्र का, तो मंगल और शुक्र आपके छठे भाव में गोचर करेंगे, खैर 20 तारीख के बाद मंगल परिवर्तित होकर के आपके सप्तम भाव के अंतर्गत गोचर करने चले जाएंगे। सूर्य का जो गोचर है प्रारंभ में आपके पंचम भाव के अंतर्गत होगा, उसके बाद उनका गोचर 16 तारीख के बाद छठे भाव में चला जाएगा। तो ये जो सारे ग्रह गोचर हैं, जो सारी परिस्थितियां हैं, वो आपके लिए क्या निर्धारित करती हैं, किस प्रकार की परिस्थिति आपके साथ होने वाली है, आइए हम उस पर चर्चा प्रारंभ करते हैं। जैसा कि कुंभ राशि के लिए स्वास्थ्य को लेकर के बहुत दिन से परिस्थितियाँ अच्छी नहीं चल रही हैं, हेल्थ को लेकर के कंडीशन बहुत दिन से अच्छी नहीं चल रही है और वो परिस्थिति कंटिन्यू होती नज़र आ रही है, यानी स्वास्थ्य को लेकर के अभी भी बहुत सावधानी की आवश्यकता है, स्वास्थ्य को लेकर के समय बहुत अच्छा नहीं चल रहा है। लेकिन जो दर्शक विदेश यात्रा करना चाहते हैं, फॉरेन ट्रैवल करना चाहते हैं, उनके लिए ये समय बड़ा अनुकूल है। जुलाई के माह में किया गया प्रयास निश्चित रूप से आपको एक बेहतरीन रिजल्ट प्रदान करने वाला होगा। अब यहाँ पर अगर हम स्वास्थ्य की दृष्टि से हमने देखा, इस महीने कुछ कोर्ट कचहरी के जो मामले हैं वो आपको परेशान करते हुए कहीं ना कहीं दिख रहे हैं, तो उस पर हमें सावधानी रखने की आवश्यकता है। अब अगर हम आगे चलते हैं और परिस्थिति को समझने का प्रयास करते हैं, इस माह जो गोचर स्पेशली सप्तम में सूर्य का जो गोचर है वो पंचम भाव में रहने वाला है। प्रेम अगर चल रहा है और उसको हम लव मैरिज में कन्वर्ट करना चाहते हैं, उसके लिए इस माह किया गया प्रयास निश्चित रूप से सफलता प्रदान करने वाला होगा।
कोई मित्र कुछ ऐसे होंगे जो कुछ ऐसे कार्य करेंगे जिससे आपका भी सर फक्र से ऊंचा होगा कि मेरे दोस्तों ने ऐसा काम किया है, अच्छा है। बच्चों की तरफ से तारीख 16 से पहले शुभ समाचार प्राप्त होंगे, उनके द्वारा अच्छी उन्नति की जाएगी, अच्छा कार्य किया जाएगा, जिसको लेकर के मन में निश्चित रूप से प्रसन्नता रहेगी। लेकिन एक जो महत्वपूर्ण चीज़ इस महीने नज़र आ रहा है, सप्तमेश पंचम में गोचर करने के कारण जो लोग मैरिड हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का संयोग बन रहा है और वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर इन फ्यूचर बहुत पीड़ा देने वाला होगा, ये भी ऐसा भी संयोग बन रहा है। तो किसी अनैतिक संबंध में आपके प्रवेश करने का जो संयोग है वो 16 तारीख से पहले का कहीं ना कहीं बनता हुआ निश्चित रूप से दिख रहा है। जो लोग पढ़ाई के पक्ष में, जो बच्चे एजुकेशन के लिए कोशिश कर रहे हैं, आपके लिए समय बहुत अनुकूल है। इस माह पढ़ाई को लेकर के निश्चित रूप से परिस्थितियाँ आपकी बेहतर रहने वाली हैं तारीख 25 तक, स्पेशली 7 तारीख से लेकर के और 25 तारीख के बीच में। जो बच्चे फौरन जा कर के विदेश जा कर के पढ़ाई करना चाहते हैं, आप ट्राई करेंगे, आपको निश्चित रूप से अच्छा रिजल्ट मिलेगा, पढ़ाई में अच्छे से मन लगेगा। जिन नौ दंपत्ति के घर में संतान नहीं है, IVF इत्यादि का सहारा लेना चाहते हैं या मेडिकल ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं, वो इस समय पर करवाएंगे तो उनको पॉजिटिव रिजल्ट निश्चित रूप से मिलेगा, एक अच्छा रिजल्ट उनको प्राप्त होने वाला है। लेकिन अब यहाँ पर हम जब बाकी चर्चा में बढ़ते हैं, जैसा कि हमने दशमेश और तृतीयेश को देखा छठे भाव के अंतर्गत 20 तारीख तक गोचर करते हुए, और साथ में भागे शुक्र को भी 20 तारीख तक पूरे महीने गोचर करते हुए देखा, तो एक चीज़ बड़ी अस्पष्टता से नज़र आई कि आपके खुद के जो लोग हैं, जो खुद के भाई बहन हैं, उनके माध्यम से आपको धोखा जरूर प्राप्त होगा, उनसे लड़ाई झगड़ा इत्यादि आपका जरूर होगा। पिता का स्वास्थ्य निश्चित रूप से ढीला रहेगा। आप जो नौकरी या कार्य कर रहे हैं उसमें आपके मेहनत का जो फल है वो किसी और को दे दिया जाएगा, यानी मेहनत आप करेंगे और उसका क्रेडिट निश्चित रूप से किसी और को दिया जाएगा, ये एक मुश्किल समय आपके लिए ज़रूर है। लेकिन यदि खेल इत्यादि के विभाग में आप हैं या किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम इत्यादि में आप पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, किसी कॉम्पिटिशन में हैं, आपने कोई टेंडर इत्यादि भर रखा है, तो ऐसे में मंगल आपको छठे भाव में बैठ करके निश्चित रूप से एक अच्छी सफलता पूरी तरह से दिलाने के लिए तैयार है। लेकिन हम अगर कहें भागेश भी, क्योंकि छठे भाव में है और शुक्र छठे भाव में बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, तो ऐसी परिस्थिति में भाग्य का जो प्रबलता से सहयोग प्राप्त होना चाहिए वो सहयोग इस महीने नहीं मिलता हुआ दिख रहा है। क्या हम ऐसा करें जिससे हमें उस सहयोग की प्राप्ति हो? एक तो परफ्यूम दुर्गा जी को अर्पण करना, इत्र की शीशी लेकर के और दुर्गा जी को अर्पण करना निश्चित रूप से बहुत फायदेमंद होगा। उसके साथ जो महिलाएं हैं, यदि आप महिला हैं तो श्रृंगार का सामान लेकर के किसी कुंवारी कन्या को दान देना या किसी सुहागिन को दान देना आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। इससे आपके भाग्य का जो बंद ताला है वो निश्चित रूप से खुलेगा, आपका लक अच्छा होगा और आपको अच्छे प्रकार से सफलता प्राप्त होगी। तारीख 20 के बाद अगर स्पेशली हम देखें और तारीख 16 के बाद अगर हम देखें सबसे पहले, तो जीवन साथी के स्वास्थ्य में अचानक दिक्कतें आएंगी जिसके कारण मन बहुत परेशान होगा। जीवन साथी के साथ तारीख 20 के बाद अगर हम देखें, जब मंगल का गोचर सेवंथ हाउस के अंतर्गत पहुंचेगा सिंह राशि में, और उस टाइम सेवंथ हाउस के स्वामी अपने से द्वादश भाव यानी छठे भाव के अंतर्गत गोचर कर रहे होंगे, ये परिस्थितियां आपके लिए बहुत प्रतिकूल प्रभाव लेकर के आएंगी। जीवन साथी को अचानक गुस्सा आना बहुत ज़्यादा शुरू होगा, ईगो बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो जाएगा, लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा प्रारंभ हो जाएगा और यहाँ तक शायद परिस्थिति पहुँच सकती है जिससे कि शादी टूटने तक का जो संयोग है वो इस परिस्थिति में पहुँच जाएगा। तो जब भी ऐसी परिस्थितियाँ अगर बने, भगवान ना करें ऐसी परिस्थिति आपके जीवन में बने, पर अगर ऐसी परिस्थितियाँ बनती है तो तुरंत ही आपको लाल चीज़ों का दान प्रारंभ कर देना है, यानी मंगलवार और रविवार को लाल फल लेकर के आपको जरूर दान करना है और लाल वस्त्र तुरंत ही अवॉइड कर देना है, लाल वस्त्र नहीं पहनना है और सूर्य को नियमित जल देना प्रारंभ कर देना है। इन कार्य को करने से आपके साथ जो दिक्कतें हैं उनमें आपको आराम मिलेगा। खैर, यदि कोई समस्या आती है तो कॉन्टैक्ट नंबर संस्था का आपको दिखाया जा रहा है, आप प्लीज़ कॉल करके उस पर अपने विषय में जो भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं वो तसल्ली से बात करके और प्राप्त कर सकते हैं। प्रतिदिन मैं दोपहर को 12 से 1 लाइव होता हूं, आप उस टाइम पर भी मुझसे जुड़ करके अपने जो भी प्रश्न हैं उसका उत्तर आप मुझसे प्राप्त कर सकते हैं।
तो इस प्रकार का करीब करीब व्यतीत होने वाला है आपका अगर ये पूरा माह देखा जाए। जो लोग नौकरी में परिवर्तन करना चाहते हैं, जिनकी इच्छा है कि मेरी नौकरी में परिवर्तन हो, तारीख 20 तक परिवर्तन के लिए प्रयास नहीं करेंगे। तारीख 20 के बाद यदि आप परिवर्तन के लिए प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से आपको अच्छी सफलता प्राप्त होगी। चलिए कार्यक्रम को बहुत लंबा ना करते हुए इस माह के में शुभ रंग कौन सा है, शुभ अंक कौन सा है और शुभ दिवस कौन सा है उस पर चर्चा कर लेते हैं। इस माह में मंगलवार और रविवार को महत्वपूर्ण कार्य बिल्कुल ना करें, ये ध्यान रखें। इस माह यदि कोई महत्वपूर्ण कार्य करना है तो सोमवार के दिन आपको करना चाहिए और सफ़ेद जो है उसका प्रयोग इस माह आपके लिए बेहतर होगा। यानी किसी महत्वपूर्ण कार्य पर जा रहे हैं, 5 चावल के दाने एक पॉकेट के अंदर डाल लें, किसी लिफाफे या किसी कपड़े बांध करके डाल लें, आपके लिए ये गुड लक का काम करेंगे, आपकी परिस्थितियों को बेहतर करने वाले होंगे। तो सफ़ेद चीज़ें और सोमवार का दिन आपके लिए लाभप्रद है और 2 का अंक इस माह आपके लिए फायदेमंद रहने वाला होगा। तो ये मेरी जो शुभकामनाएँ हैं और जो विशेष उपाय था वो आपके लिए था। कोई दर्शक यदि अपने विषय में किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, आप प्लीज़ कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जय श्री राम। बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। बहुत स्वागत।